21 अक्टूबर 2014 जब खबरों और टीवी सीरियलों की भीड़ में एक नई सोच के साथ ग्रीन टीवी ने रखा कदम, जो बन रहा है हर गांव की आवाज, हर किसान की आवाज और मिट्टी की आवाज। मैं हूं जुनैद बेमन। मैं हूं नितिन सुखीजा। मैं विभास स्वस्थी। मैं हूं तरन ओमली। मैं हूं याशु गांधी। मैं हूं सौरभ। मैं हूं स्मिता सिंह। मैं हूं संध्या। मैं हूं अमृत। मैं हूं रेखा गोस्वामी। मैं ऋतु शर्मा। मैं प्रियंका। मैं लवीना शर्मा। मैं मंजूरी। मैं आकाश विश्वास। मैं सुनीत सिंह। मैं अनिता कुंवर। मैं अनुज दीवान, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का मकसद है ऐसे संस्थानों की जानकारी आप तक सीधे तौर पर पहुंचाना जो कृषि के साथ साथ उसके सहायक व्यवसाय एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अपना 100% सहयोग देते आए हैं। बदलते वक्त और बदलते दौर की मांग भी यही है कि हमारे देश के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों का भी उत्पादन करें। जीरे में हमने देखा कि 1635 रुपए की बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। बढ़त आई है, वो अभी बरकरार रहने वाली है। कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कौन कौन सी अलग अलग नस्लों के मुर्गे हैं जिनसे आप और हम परिचित नहीं हैं। किसान अगर 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उसे 40,000 रुपए महीने के मिलने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल प्रोडक्शन जो है वो भारत के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। अभी मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ टन हम गेहूँ उत्पादन करेंगे। हम बात करते हैं खेती से जुड़ी हुई और उसके हर एक पहलुओं पर करते हैं विस्तार से चर्चा। किसान आधुनिक तरीके को सीखे और मुनाफा कमाए। आज भी गौ पालन में ढेरों संभावनाएं हैं। हम जानेंगे एक फार्म की शुरुआत कैसे की जाती है। रामधेनु योजना के तहत डेयरियों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है आजकल। का जानकारी देंगे आपको ऑस्ट्रेलिया के पक्षी इमू के बारे में। जिस जगह पे है उस जलवायु के अनुकूल जो नस्ल विकसित हुई है वो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। मेघालय में कुछ ऐसी हिल स्टेशन हैं जहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं उगते, इन्हें उगाया जाता है और यहाँ पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। संगीत एक ऐसी चीज है जिसकी परिभाषा निर्धारित नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं आपके रोजगार से। रेडियो जॉकी ये जो करियर है इस दौर में गोल्डन पीरियड है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सबको सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचाएं और आप लोग उस योजना का लाभ उठा सकें। चावल धान के खेत से लेकर प्लास्टिक के पैकेट में बंद ये लोगों तक कैसे पहुंचता है और जानते हैं कि कैसे होती है चावल की प्रोसेसिंग। ये देख रहे हैं आप, सील्ड शहद है। कहते हैं मछली जल की रानी होती है, वैसे मछली धन की रानी भी हो सकती है। जरूरत है मछली पालन व्यवसाय में हाथ आजमाने की। इस मछली के काम से पूरे वर्ल्ड में 186 कंट्री के अंदर मेरा नाम फिशरीज के अंदर लिया जाता है। आपके पास ऐसी जमीन है जो उपजाऊ नहीं है तो वहाँ तालाब खोदकर मत्स्य पालन करें। चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चौपाल का कारवा पहुँच गया है धारो की धार गाँव। हमारी टीम यहाँ खजुराहो पहुँची हुई है। चौपाल की टीम पंजाब की धरती पे है। सत श्री अकाल। लो मैं भी हूँ सरदार। सरदार बनने के बाद हो गया हूँ सरदार। एक कदम के फासले पे इधर बिहार हो जा रहा है और दूसरे कदम जैसे ही करेंगे इधर यूपी हो जाएगा। भिवाड़ी से सटे जो धिराड़ा गांव है वहाँ पे हमारी पंचायत लग चुकी है। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जानते हैं यहाँ पर जायको में क्या क्या खाने को खास है। मजा आ गया। आरोग्यम, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी। हैंड वॉश ही लोग तरीके से प्रैक्टिस करें तो आधी से ज्यादा बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। गांधी जी ने एक परिकल्पना की थी कि पूर्ण स्वराज जब हो तो देश के आखिरी आदमी तक उसका हक पहुंचे। एक दिन वो भारत हम देखेंगे जो गांधी जी का भारत था। अपनी औरतों को समय कौन जाने, दादी को दुनिया जाने। बेटियों की इतनी बड़ी सफलता मेरे ख्याल में किसी बाप के लिए बहुत ही खुशी का विषय है।
सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद जिंदगी होता है। तो अगर जीना है तो जज्बे के साथ अच्छे से जीना है, जैसे बोलते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज। इस डायरी में हम बात करेंगे कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़ी उन सभी हलचलों पर जो हमसे और आपसे सरोकार रखती है।